हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सो आज हम जानने वाले हैं द रीसेंट पॉलिटिकल क्राइसिस जो कि चल रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट में, एंड आल्सो द रोल ऑफ द गवर्नर जो कि अभी काफ़ी हाईलाइट हुआ है इस टाइम पर। हमें क्यों जानना ज़रूरी है? बिकॉज इट कम्स अंडर द यूपीएससी जीएस पेपर 2 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, सो लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड। सो राजस्थान गवर्नर ने रिटर्न किया है प्रपोजल बाय द स्टेट कैबिनेट जो कि एक सेशन कन्वीन करना चाहता था असेंबली का। फाइन, सो जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने गवर्नर को प्रपोजल भेजा था कि आप जो है असेंबली का सेशन बुलाइए। फाइन, बट जो राजस्थान गवर्नर है उसने क्या किया है, ये रिटर्न कर दिया है प्रपोजल। ठीक है, उन्होंने असेंबली का सेशन नहीं बुलाया है। और भी कुछ चीज़ें थी, चीफ मिनिस्टर को अपनी प्रूव करनी थी स्ट्रेंथ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो भी वो अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि असेंबली ही कन्वीन नहीं कर रहे हैं हमारे गवर्नर साहब। फाइन, सो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? सो दीज थिंग्स हैव रेज सम लीगल क्वेश्चंस एज टू द पावर्स ऑफ द गवर्नर। उससे पहले हमें थोड़ा इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, वट इज़ हैपनिंग इन राजस्थान एक्चुअली। सो दिस इज अशोक गहलोत एंड दिस इज सचिन पायलट। तो अशोक गहलोत जो है उनकी गवर्नमेंट है राजस्थान में, ही इज़ द चीफ मिनिस्टर एंड सचिन पायलट वॉज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। फाइन, तो अब बेसिकली इनके साथ में क्या हुआ है, रिफ्ट आ गया है इनमें। फाइन, तो जो है ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते निकल चुके हैं, तो इस वजह से क्या हुआ है, रेबेलियन हो गया है कांग्रेस के अंदर ही। तो इस वजह से जो अशोक गहलोत की गवर्नमेंट है उस वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाने लगी। अब अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो इंस्टेबल होने की तरफ जाती है, तो नेक्स्ट जो काम होता है वो गवर्नमेंट और किसके बीच में रहता है, गवर्नर के बीच में। सो ही इज़ द गवर्नर, ही इज़ कलराज मिश्रा एंड ये गवर्नर है राजस्थान के। तो जनरली जो रोल है गवर्नर का इस टाइम पर क्या होता है, दैट दे कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट। फाइन, तो फ्लोर टेस्ट क्या है बेसिकली, अगर आप इसको ऐसे पढ़ना चाहें तो आप ऐसे पढ़ लीजिए, इट इज़ अ टर्म यूज टू टेस्ट द मेजोरिटी। इफ देर आर डाउट्स अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, ही और शी कैन बी आस्क्ड टू प्रूव द मेजोरिटी इन द हाउस। तो बेसिकली करना क्या है, अगर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो गवर्नमेंट है इट इज़ अबाउट टू फॉल और जितनी उनके पास मेजोरिटी थी वो अब खत्म हो रही है, तो गवर्नर कहता है कि आप अपनी प्रूव कर दीजिए, आप असेंबली फ्लोर पर अपना प्रूव कर दीजिए कि आपके पास अभी भी नंबर्स हैं, आप अभी भी मेजोरिटी में हो, सो यू विल हैव टू देन आप जो है कंटिन्यू कीजिए अपनी गवर्नमेंट के साथ में। बट जनरली क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट होती है जिसके साथ इंस्टेबिलिटी वाला सिचुएशन आता है, वो थोड़ा टाइम मांगते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए कि हमें थोड़ा अपने एमएलएस को समझाने दो कि वो ऐसा ना करें। बट अशोक गहलोत वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, तो उनको पता था कि वो मेजोरिटी ले आएंगे, तो उन्होंने कहा श्योर। अब क्या है, नॉर्मल सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी कि गवर्नर को फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए था और जो गहलोत है वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दे, एंड जो सारी इंस्टेबिलिटी और जो पॉलिटिकल क्राइसिस एकदम राजस्थान में आया था वो सब रिमूव हो जाता। बट यहाँ पर ट्विस्ट आ गया, अब जो गवर्नर है वो असेंबली का सेशन ही कन्वीन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो हर बार जो है उनका प्रपोजल मोड़ दे रहे हैं, जो भी हमारी जो ये जो गवर्नमेंट है ये उनको एडवाइस कर रही है हमारे गवर्नर को कि आप असेंबली का सेशन बुलाइए ताकि जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रूव कर पाए अपनी स्ट्रेंथ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पर गवर्नर ने दो बार इसको रिटर्न कर दिया है। सो द लीगल क्वेश्चंस आर कि क्या गवर्नर अभी ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, अभी तो उन्होंने अपनी मेजोरिटी जो है प्रूव ही नहीं करी है, दैट वेदर ही इज लॉस्ट द मेजोरिटी हैज वन द मेजोरिटी ये तो अभी प्रूव भी नहीं करा है और गवर्नर ऑलरेडी उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नर। नो आर्टिकल 174, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, तो 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट ऑथराइजेस द गवर्नर टू समन, डिसॉल्व, प्रोरोग। ठीक है, या वो समन करे, डिसॉल्व करे असेंबली को, तो ये पावर उन्हें दी जाती है। बट ये पावर सिर्फ ऐसे अकेले नहीं दी जाती है, द अबव द पावर इज एक्सरसाइज्ड एज पर द आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज द गवर्नर एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। मतलब एड और एडवाइस के बिना गवर्नर जो है ना तो समन करेगा, ना डिसॉल्व करेगा और ना ही प्रोरोग करेगा असेंबली के सेशन को। तो बेसिकली क्या है, तो सब कुछ जो गवर्नर कर रहा है, ये एक्सरसाइज कर रहा है आर्टिकल 174, इट इज ऑन बेस्ड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इस चीज में सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जजमेंट दी थी 2016 में, अरुणाचल प्रदेश असेंबली को लेकर एक केस था। ठीक है, उसमें भी कोर्ट ने बोला है दैट द पावर टू समन द हाउस इज नॉट सोली वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शुड बी एक्सरसाइज विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉट एट हिज ओन, बिकॉज जो गवर्नर है वो कोई इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो उनको जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पीपल के, जो इन द हाउस है, जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसकी एड एंड एडवाइस पे उसको चलना है गवर्नर को। अब बेसिकली इसमें अब हमें दिख रहा है कि जो गवर्नर है अभी राजस्थान के, वो इस एड एंड एडवाइस को रिटर्न कर रही हैं। वो
एक डिस्क्रेशनरी पावर बन जाती है, ठीक है, जिसमें वो अपने आप से डिसीजन ले रहे हैं, नॉट एट द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है. सो इस केस में क्या होता है, द लिमिट, यहाँ पर कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है. द लिमिट्स एनी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ओनली टू केसेस. सो यहाँ पर क्या है, द गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर अंडर द आर्टिकल 174 एंड द चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द हाउस. तो पहला ही सिनेरियो क्या है, अगर जैसे गवर्नर अभी रिटर्न कर रहे हैं, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर रहे हैं, उसको यूज करने का पहला तरीका क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर है ही शुड हैव लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द हाउस. बट अभी तो चीफ मिनिस्टर को फ्लोर टेस्ट करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो हाउ द गवर्नर इज यूजिंग द डिस्क्रिशनरी पावर एंड रिटर्निंग इट. तो यहाँ पर क्या है, एक लीगल क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल क्या होना था कि हमें एक सेशन बुलाना था गवर्नमेंट को, और फिर जो है सेशन असेंबली का सेशन आ जाना था, वहां पर जो है चीफ मिनिस्टर क्या करते, एक फ्लोर टेस्ट करते, उसमें पता चल जाता कि उनके पास नंबर्स हैं या नहीं है, और उसके बाद क्या होता, पता चलता है कि अब जो गवर्नर है अब वो डिस्क्रिशन कर सकता है. अगर वो अपनी सपोर्ट जो है लॉस्ट कर जाता चीफ मिनिस्टर, उसके बाद इतने नंबर्स नहीं रहते, तब जो गवर्नर था अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते थे और कह सकते थे कोई और है मेजोरिटी जो यहाँ पर दिखाए, एंड फिर उससे वो नई गवर्नमेंट बना सकते थे. बट अभी जो है वो फ्लोर टेस्ट करने ही नहीं दे रहे हैं, और इन इन टर्म्स में तो अभी कोर्ट ने भी बहुत कुछ बोला है. द कोर्ट हैज ऑल्सो क्लेरिफाइड दैट व्हेन अ मेजोरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी इज इन क्वेश्चन, अ फ्लोर टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड एट द अर्लीस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, जो कि गवर्नर साहब नहीं कर रहे हैं. फाइन, हाउएवर इन राजस्थान केस क्या हो रहा है, डिस्पाइट रिक्वेस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर हु इज इंजॉइंग द मेजोरिटी, द गवर्नर हैज यूज डिस्क्रिशनरी पावर ट्वाइस एंड रिटर्न द रिक्वेस्ट टू कॉल फॉर अ सेशन. तो यहाँ पर क्या हो गया कि वो डिस्क्रिशनरी पावर किस बेसिस पे यूज कर रहे हैं, अभी तो उन्होंने अपनी जो लॉस जो सपोर्ट है अभी लूज भी नहीं करा है, कोई फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है, अभी गवर्नर के हाथ में डिस्क्रिशनरी पावर आई ही नहीं है, तो वो किस हिसाब से ये रिटर्न कर रहे हैं, असेंबली का सेशन ही नहीं बुला रहे हैं. सो वाई द गवर्नर इज एक्चुअली डिलेइंग, ठीक है. सो यहाँ पर जो है गवर्नर का रोल काफी इन क्वेश्चन आ गया है कि वाई ही इज डूइंग दैट, कोई पार्टी अफिलिएशन है, काफी कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस वजह से ये सब हो रहा है. सो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन नाउ, ठीक है. तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप कुछ भी आगे रीड करोगे न्यूज़पेपर्स में, तो अभी आपको समझ में आया दैट व्हाट इज हैपनिंग इन राजस्थान. सो आई होप आपको समझ में आया. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.